उसमें ग्रामीण और शहरी सभी टीमें भाग ले रही हैं। 5 खेलों का आयोजन हो रहा है जिसमें क्रिकेट भी है, उसके अलावा जो है बैडमिंटन भी है, कुश्ती भी है। इस तरीके से सभी खेलों में जो है अभी ऑनरेबल सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब ने उसका शुभारंभ किया था और उसका समापन जो है हम 20 तारीख के आसपास कर रहे हैं। तो 19 तारीख को इस तरीके से ग्वालियर खेल महोत्सव का आयोजन विस्तृत रूप से हो रहा है। क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं सर? हम लोग जो है उनको सभी प्रकार का पुरस्कार भी दे रहे हैं, उनको जो है हम लोग ग्राउंड दे रहे हैं, हमारे कोचेज हैं, तो इस तरीके से उस पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया का आयोजन जो 31 जनवरी से होना है उसमें हम सारी तैयारियाँ हो गई हैं। अभी उसमें हमारे होटल्स भी बुक हो गए हैं, ग्राउंड प्रिपेयर हो रहे हैं, वॉलंटियर्स की नियुक्ति हो रही है, उनके खान पान, उनके मूवमेंट, सभी तैयारियाँ पूरी हो रही हैं। बहुत अच्छा आयोजन होगा। सभी ग्वालियर वासियों से निवेदन है कि खेलों में जो है अपनी सहभागिता वहाँ पर आकर देखें, उनका हौसला बढ़ाएं। कई बार देखने में आया सर कि इंडिया में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, परंतु ये कोशिश की जानी चाहिए कि जो विद्यार्थी अपने खेलों में उत्तीर्ण आते हैं उनको आगे भी कुछ निगरानी उनकी की जाए। नहीं, ये बहुत अच्छा भी हो रहा है। उसी के संदर्भ में ग्रामीण और पूरे देश से प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही खेलो इंडिया का आयोजन हो रहा है। थैंक यू।